अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू स्टूडेंट इन्फो 5। आज इस वीडियो में बायो 401 का जो लेक्चर नंबर है 27, 28, 29 और 30, ये चार लेक्चर इसी वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो इसमें जो आपके लिए मिड टर्म की प्रिपरेशन है वो भी आपको बताऊंगा कि आपने इन चारों लेक्चर में से जो शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, जो एमसीक्यूज हैं, वो कौन कौन से करने हैं। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। लेक्चर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लेक्चर नंबर हमारे पास है 27, शेप्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। जो डाटा होता है उसको शेप्स किया जाता है डिस्ट्रीब्यूशन की शक्ल में। जब डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है तो उसके कुछ शक्लें होती हैं। जो शक्लें होती हैं उनमें सबसे पहले क्या है, सिमेट्रिक है। सिमेट्रिक क्या है, डाटा इज सिमेट्रिक इफ द लेफ्ट हाफ ऑफ इट्स हिस्टोग्राम इज रफली अ मिरर इमेज ऑफ इट्स राइट हाफ। ये किस तरह होती है कि आपका फॉर एग्जाम्पल यूं ग्राफ है, तो ये यहाँ पर एक लाइन है, तो ये इसको ये जाहिर कर रहा था कि इसका ये जो लेफ्ट हाफ वाला इसका जो है ना हिस्सा, वो इसका राइट हाफ वाले का मिरर नज़र आता है। ऐसा लगता है कि ये और ये, यानी समझ लो कि वो बराबर होता है, और इसका अगर मिरर लिखा जाए तो उसका बिल्कुल सेम इमेज आती है, तो इसे हम सिमेट्रिक कहते हैं। इसलिए सिमेट्रिक का मानी भी मतलब होता है सेम एक जैसे, ठीक है। तो सिमेट्रिक एक होती है, एक होती है एसिमेट्रिक। एसिमेट्रिक कौन सी होती है, अगर वो सिमेट्रिक हो और उसे स्क्यूड कहा जाए तो वो एसिमेट्रिक होती है। जैसा कि डाटा इज स्क्यूड इफ इट इज नॉट सिमेट्रिक, ठीक है। ये स्क्यूड भी कहते हैं उसे हम, और एसिमेट्रिक भी कहते हैं, याद रखना आपने, एसिमेट्रिक भी कहते हैं, ठीक है, एसिमेट्रिक, ठीक है। इसके बाद है, इसमें होता क्या है कि इफ इट एक्सटेंड्स मोर टू वन साइड देन द अदर। इसमें ये होता है कि आपका जो ग्राफ होता है उसमें जो हिस्टोग्राम होता है वो एक तरफ कम होता है और दूसरी तरफ ज़्यादा होता है, इस तरह का होता है, इसलिए इसे स्क्यूड कहते हैं। यानी या तो वो, और इसकी भी आगे दो किस्में, या वो पॉजिटिवली स्क्यूड होता है या वो नेगेटिवली स्क्यूड होता है। तो और उसके बारे में भी पढ़ते हैं। उससे पहले यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म क्या होता है, डाटा इज द यूनिफॉर्म इफ इट इज इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन अ हिस्टोग्राम, ऑल द बार्स आर द सेम हाइट और अप्रोक्सीमेटली द सेम हाइट। ये वो चीज़ होती है, अगर हम तमाम डाटा अगर ग्राफ में करें तो उनकी जो आपस में हाइट हो वो भी ठीक हो, सेम हो, और ठीक है हिस्टोग्राम जो वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड हो। यहाँ पर आपको इसका जो वजाहत मिल जाएगी कि सिमेट्रिक क्या है, आपको बताया कि उसका जो लेफ्ट साइड वाला होती चीज़ है वो राइट साइड की चीज़ के उसका मिरर ज़ाहिर करे, ठीक है, उसका मिरर हो। ये यूनिफॉर्म क्या है, इसमें क्या है कि सारी जितनी भी अगर आपके पास हाइट्स हैं, जितना भी डाटा है उनकी जो हाइट्स है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड हो, एक ही लाइन पर हो, ठीक है। तो यहाँ बात करेंगे स्क्यूड लेफ्ट और स्क्यूड राइट, इसे आप नेगेटिवली स्क्यूड भी कह सकते हैं और इसे आप पॉजिटिवली स्क्यूड भी कह सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर स्क्यूड लेफ्ट का क्या मतलब है, लेफ्ट का मतलब है कि अगर लेफ्ट की तरफ वो स्क्यूड हुई हुई हो तो उसे हम क्या कहेंगे, स्क्यूड का मतलब है एक तरफ ज़्यादा हुई हुई हो। तो यहाँ पर अगर हम लेफ्ट की तरफ देखें तो ये ज़्यादा नीचे की तरफ है, ठीक है, इसलिए हम इसे क्या कहते हैं, लेफ्ट स्क्यूड कहते हैं या नेगेटिवली स्क्यूड कहते हैं। इसी तरह अगर ये राइट की तरफ हो, ठीक है, इसे हम क्या कहेंगे, राइटली स्क्यूड भी कह सकते हैं और पॉजिटिवली स्क्यूड भी कहते हैं, ठीक है। जो स्क्यूनेस था या स्क्यूड जिसे हमने पीछे पढ़ा वो क्या है, वो थोड़ा सा आपको यही बता देता हूँ मज़ीद। ये सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन आपको बताया कि कुछ ही होती है, ठीक है, जिसके ये और ये दोनों ऐसे लगे जैसे मिरर है। उसके बाद पॉजिटिव स्क्यूड जो राइट साइड होते हैं जिसे हम राइट डिस्ट्रीब्यूशन भी कहते हैं, स्क्यूड भी कहते हैं, और ये जो इस तरफ होती है इसे नेगेटिवली भी कहते हैं और लेफ्ट भी कहते हैं। ये आपको दिखाने का मकसद यही था कि जो ऊपर आपको डेफिनेशन बताई, आप यहाँ से आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाए। अगर बात करें वही कर्टिसिस या वो जो स्क्यूड था, वहाँ पर इसकी तीन और टाइप्स होते हैं, ठीक है। एक क्या है, लेप्टो कर्टिक होता है, मेजो कर्टिक होता है, प्लेटी कर्टिक होता है। ये तीन है, ये तीन इनकी खसूसियात की बिना पर इनको ऐसा नाम दिया गया है। जैसा कि यहाँ से शुरू करते हैं, ये आप देख सकते हैं प्लेटी कर्टिक, ये जो है ये इसमें ये वाला जो है ये बिल्कुल थोड़ा सा है, इसमें जो कर्व है ये थोड़ा सा है, इसलिए इसे प्लेटी कहते हैं। मेजो होता है, मेजो का मतलब होता है दरमियाना सा, तो इसके लिए आप देखेंगे कि इसका जो कर्व है वो दरमियाना सा, ठीक है। लेकिन लेप्टो जो है वो बिल्कुल ही उसका एक चोटी की तरह का कर्व बना हुआ है, इसलिए इसे लेप्टो कर्टिक कहते हैं। ये तीनों भी आपने याद रखनी है। मज़ीद आपको यहाँ से पता चल जाएगा कि यहाँ पर अगर हम मेजो कर्टिक को देखें तो ये सिमेट्रिक भी है और मेजोकर्टिक भी, ठीक है। लेप्टो कर्टिक को देखें, ये हैं दूसरा सिमेट्री, ये सारी हैं, लेकिन फ़र्क इनमें यही है कि इनका जो जो कर्व है किसी में बहुत
वाइड है, किसी में बहुत ज़्यादा क्लोज है, तो इस बात का आपने ध्यान रखना। और जो ये प्लेटी कार्टिक है, इसमें आपने ये देख सकते हैं कि इसकी जो चोटी है वो यहाँ पर, और ये इस तरह से आएगा इस तरह से, ठीक है। तो इससे आपका जो इन तीनों चीज़ों के बारे में जो चीज़ थी आपके जहन में वो क्लियर हो जाएगी, ठीक है। और इसके बाद हम बात करेंगे, अब बात करेंगे बॉक्स और विजकर प्लॉट की, ठीक है। बॉक्स और विजकर प्लॉट क्या है कि ये मेरे ख्याल से जो पिछले लेक्चर थे ना, उनमें मैंने इनको बनाने का तरीका बताया था, लेकिन ये Bio 401 जो है, इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी जो बार बार रिपीट होंगी, आप भी देखेंगे। ये जो कॉर्टिसेस आपने देखा, ये आगे भी रिपीट होगा, ये बहुत सारी चीज़ें इसमें रिपीट होती हैं। तो यहाँ पर बात करेंगे, यहाँ पर हमने डिस्क्राइब करना डाटा बॉक्स और विजकर प्लॉट के ज़रिए। तो यहाँ पर क्या है कि ये एक विजुअल डिवाइस है जिसके ज़रिए हम क्या कर सकते हैं, जो डाटा सेट हो हमारे पास, इंफॉर्मेशन हो, हम उसको क्या करें, डिस्क्राइब कर सकते हैं इसे। और इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, बॉक्स प्लॉट कहते हैं। एंड यूज़ ऑफ क्वार्टाइल्स, क्वार्टाइल्स बनाने के लिए इस्तेमाल होती है, यानी कुछ हिस्से बनाने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर क्वार्टाइल्स एक्स जो है मैक्सिमम वैल्यू ऑफ डाटा सेट है, और अपर फेंस ये विस्कर है, बॉक्स एंड विस्कर। विस्कर मैंने बताया था कि यहाँ पर विस्कर यानी इसकी जो मूछें हैं ये उल्टा सा है, लेकिन अगर हम इसको सीधा करके देखें तो ये कुछ इस तरह से आता है, ठीक है। तो ये जो होती हैं इसकी, ये इसकी मूछें होती हैं, विस्कर जीते हैं हम कहते हैं, ठीक है। यहाँ पर इसके दो तीन चीज़ें बताई हुई हैं। ये जो पार्ट होता है ये 75% क्वार्टाइल होता है, ये मीडियन होता है जिसे हम 50% क्वार्टाइल कहते हैं, ये परसेंटाइल कह रहे हैं आप, ठीक है। ये थर्ड क्वार्टाइल होता है, ये सेकेंड, और ये फर्स्ट होता है, ठीक है, 25%। तो आगे बात करेंगे कि यहाँ पर क्या होता है कि हॉरिजॉन्टल एक्सिस पर रिप्रेजेंट ए बॉक्स अबव हॉरिजॉन्टल एक्सिस, यानी वही बात है कि Q1, Q2 और Q3 कौन कौन से हैं, ये Q1, ये Q2 और ये Q3 है, ठीक है। अगर हमने इनका जो रेंज निकालनी हुई तो हम इसको इससे जो है वो मनफी कर देंगे, ये जैसा कि यहाँ पर फार्मूला दिया हुआ है, Q3 नेगेटिव Q1, और इससे हमारे पास जो है दूसरी जो रकम है वो आ जाएगी, इनका जो चीज़ है वो आ जाएगी। ये कुछ इस तरह से नज़र आता है। ये मैं ये आपको नहीं करा रहा क्योंकि ये इस लेक्चर में नहीं है, ठीक है। ये आगे आएगा तो तब इसको मज़ीद करेंगे। यहाँ पर बात करेंगे वही जो कार्टिसिस थी, सिमेट्री थी, वो बॉक्स और विजकर प्लॉट में किस तरह नज़र आती है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो ये सिमेट्रिक है, इसमें आप बॉक्स एंड विजकर प्लॉट ये देख सकते हैं, ये नीचे बॉक्स एंड विजकर प्लॉट बनाया हुआ है, ठीक है, जो इसको रिप्रेजेंट कर रहा है इसमें जो डाटा है। यहाँ पर ए सिमेट्रिक है, पोस्टीरियर राइट सीक्वेंट जिसे हम कहते हैं, ठीक है, ये जो इस तरह से जा रहा है, ठीक है, ये नेगेटिवली है, लेफ्ट है, और ये पॉजिटिव ए सिमेट्रिक है, ठीक है। ये किसके ज़रिए, यहाँ पर हम सिर्फ इसके ज़रिए दिखा रहे हैं, बॉक्स एंड विजकर प्लॉट के ज़रिए। ये जो बॉक्स एंड विजकर प्लॉट है ये हमें हेल्प करता है, हमें एक क्विक समरी देता है, यानी जब हम क्वांटिटेटिव डाटा, अगर वेरिएबल ये डाटा हम देखें तो हम उसे जो जल्दी अंदाज़ा लगा लेते हैं उसके डाटा जो है उसके बारे में, और ये भी अंदाज़ा लगा लेते हैं कि वो सिमेट्रिक है, स्क्यूड है, राइट स्क्यूड है, लेफ्ट स्क्यूड है, जो भी है, ठीक है। तो बॉक्स विजकर प्लॉट इज़ ड्रॉन फॉर क्वांटिटेटिव वेरिएबल्स ओनली, ये MCQs है, आपने याद रखना है कि क्वांटिटेटिव वेरिएबल्स यानी क्वालिटी, जिनने जिसको हम माप सकते हैं, जिसको हम मैयर कर सकते हैं, उस क्वांटिटी के लिए बॉक्स एंड विजकर प्लॉट यूज़ होता है, जबकि जो क्वालिटी होती है ना, जेंडर हो गया, जैसे जेंडर, मेल फीमेल वगैरह, या इनके लिए बॉक्स एंड विजकर प्लॉट बिल्कुल नहीं है, ये सिर्फ इस चीज़ के लिए है जो क्वांटिटी हो, एक दो तीन सो ऑन, ठीक है, इस तरह के जो जिन्हें हम मैयर कर सके उनके लिए इस्तेमाल होता है। उसके बाद हम बात करेंगे लेक्चर नंबर जो 30 है, मैयर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, ये हैंडआउट्स में लेक्चर नंबर 6 के, टॉपिक नंबर 6 के साथ दिया हुआ है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये टॉपिक 6 है, हालांकि टॉपिक 6 है तो ये ही, लेकिन जो ये चीज़ है ये मैयर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, ये लेक्चर नंबर 30 है, ठीक है। इसे आप जो है हाईलाइट कर सक ले कि ये लेक्चर 30। तो इसमें बात करेंगे कि जो सेंट्रल टेंडेंसी है वो मैयर विच इंडिकेट्स वेयर द मिडल ऑफ द डाटा इज। सेंट्रल का क्या मतलब होता है, दो चीज़ें हैं ये, तो इसका जो ये मिडल है ये कहाँ पर वाक़ है, ये हम इसके ज़रिए पता लगाते हैं। तो इसमें तीन चीज़ें मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आपने याद रखना है कि सेंट्रल टेंडेंसी में कितनी चीज़ें, तीन, मीन, मीडियन और मोड, ठीक है। तो मीन क्या है, मीन इट्स द एवरेज ऑफ द डाटा, डाटा जो जितने पर हमारे पास डाटा दिया हुआ होगा उसका जो एवरेज होगी वो हमारे पास क्या होती है, मीन होती है।
एक मीन होता है इंग्लिश में, वो घटिया होता है, लेकिन ये वो वाली मीन नहीं है। ये मीन है जो हमें एवरेज देगी, ये अभी हम देखेंगे कि कैसे देती है। तो पॉपुलेशन मीन जो है, इसको हम मैक्रो से जाहिर करते हैं। इसमें क्या है कि यूजली अननोन होती है, देन वी यूज दी सैंपल मीन टू एस्टिमेट आवर अप्रोक्सीमेटेड पॉपुलेशन का जो एवरेज होती है वो अननोन होती है। हम सैंपल मीन इसमें इस्तेमाल करते हैं, और इसका जो मीन होता है एवरेज वो हम निकाल लेते हैं। वो कैसे, ये जहाँ पर कीमतें दी हुई हैं, ठीक है, इनको सबको क्या करना है, प्लस करना है। प्लस करने के बाद इनके जो तादाद है उन पर इनको तकसीम कर देना है, ठीक है। यहाँ पर इनकी, ये देखें, प्लस किया इनको, ठीक है, 10 पर जो इनकी तादाद थी उस पर अगर हम इनको तकसीम कर देंगे तो 36.6 जो हमारे पास इनकी जो एवरेज मीन आ जाएगी, ठीक है, एवरेज वैल्यू आ जाएगी। इसके बाद इसकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं, मीन की कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, ठीक है। प्रॉपर्टीज इसकी क्या है, यूनिकनेस। यूनिकनेस क्योंकि सेट देयर इज ओनली वन एंड ओनली वन मीन। कोई भी अगर आपके पास डाटा दिया हुआ है, चाहे वो जितना भी है, तो उसके जो वी मीन होगी वो हमेशा एक ही होगी। ये सादा सी बात है, इसमें कोई जो है कोई पेचीदा बात नहीं है, ठीक है। सिंपलिसिटी इसमें यह है कि ये इजीली अंडरस्टूड है और हम इसे इजी से कंप्यूट कर सकते हैं। यानी जितने भी आपके पास दूसरा जितनी भी रकम आपके पास दी हुई, आपने सिर्फ उनको प्लस करना। प्लस करने के बाद उनकी जो तादाद होगी, नंबर्स होगा उनका एन, उस पर उनको तकसीम कर देना, आपके पास मीन आ जाएगी, ठीक है। ये क्या है, सिंस ऑल वैल्यूज इंटर इनटू द कंप्यूटेशन, ये फैक्टर बाय एक्सट्रीम वैल्यूज, ज़्यादा वैल्यूज भी होंगी तो भी उनको इस कंप्यूटेशन में लाना पड़ेगा। इसका ये एक इफेक्ट भी है, ठीक है। इसमें एग्जांपल्स, ये दोबारा एग्जांपल दी हुई है, इनको हम अगर प्लस करें और इनकी जो तादाद उन पर तकसीम कर दें तो हमारे पास 180 जो है इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद बात करेंगे मेडियन, नाम से ज़्यादा होता है, जिसे हम आधा भी कहते हैं, ठीक है। वैन ऑर्डरिंग द डाटा, इट इज़ द ऑब्जर्वेशन दैट डिवाइड द सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन टू टू इक्वल पार्ट्स, साइज दैट हाफ ऑफ द डाटा आर बिफोर इट एंड दैट आर आफ्टर इट। ये वो चीज़ है, इसमें हमारे पास अगर दो चीज़ें दी हुई है ना, तो हम उसको जो है यहाँ से फॉर एग्जांपल इसको दो हाफ चीज़ों में हमने इसे कन्वर्ट करना है, ठीक है। एक ये होगा, एक ये होगा, हाफ हाफ हो गया दोनों। अब क्या करेंगे, अगर तो ये ओड हो, ठीक है। ओड कौन से होते हैं, ऑड होते हैं, 1, 3, 5, 7, 9, 11 एट्सेट्रा, ठीक है। तो इसमें अगर ओड हो तो हमारे पास ये फार्मूला लगता है, ठीक है, ये फार्मूला होता है, लेकिन हमने कभी इसे इस्तेमाल नहीं किया। हम सादा ये करते हैं कि अगर हमारे पास यहाँ पर 11 तक अगर गिनती दी हुई हो, ओड हो, ओड आ गया, क्योंकि 11 आ गया ओड है, तो इसमें जो हमारे पास सिक्स ऑब्जर्वेशन होगी वो क्या होगा, इसका मीडियन होगा। दूसरी बात, अगर जुफ्त तादाद आ जाए, ईमन आ जाए, तो क्या होता है, इसमें जो मिडल वाली दो चीज़ें होती हैं उनको हम आपस में प्लस करके ये फार्मूला इस्तेमाल करते हैं। सेम फार्मूला वही है, लेकिन ये फार्मूला सिर्फ इवन के लिए लगता है, ओड में ये फार्मूला इस्तेमाल नहीं होता। अगर जुफ्त तादाद दिए हुए हैं, जैसे कि यहाँ जो जुफ्त तादाद उनकी तादाद है 12, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसमें 6 और 6 12 आते हैं, 6 पहले लिख लेंगे, ठीक है। उसके बाद उसके जो आगे वाला है हिस्सा, वो 7 है, वो लिख लेंगे। इन दोनों को प्लस करके जो हमारे पास आने वाली है वो है 6.5, ऐसा 6.5, ठीक है। ये ऑब्जर्वेशन आएगी जो तादाद में, ये इनका मीडियन होगा। अगर हम एग्जांपल देखें तो ये एक एग्जांपल दी हुई है, ठीक है, इनकी तादाद 10 है जो हफ्ते है, तो जो बीच वाली, ये दोनों को प्लस करें, दो पर तकसीम करें, हमारे पास जवाब आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह इसकी जो इसकी भी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, तो इसमें क्या होता है कि गिवन सेट डाटा जो होता है इज़ वन एंड ओनली वन मीडियन। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो ये जो होता है वो इज़िली हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, कोई इसमें मुश्किल बात नहीं है। ओड में तो बिल्कुल भी मुश्किल है, बिल्कुल भी आसान है, और इवन में थोड़ा सा मुश्किल है, ठीक है, वो भी इतना नहीं। दोनों को प्लस करना है और उन जो जो उनकी दो पर तकसीम कर देना और जवाब आ जाएगा। इस उसके बाद है कि एक्सट्रीम वैल्यू एज इज मीन, मीन की तरह ये इसमें अगर एक्सट्रीम वैल्यूज़ हो, बहुत ज़्यादा वैल्यूज़ हो, तो ये फैक्टर नहीं होती, ठीक है। आपको बताया था कि मीन का एक इफेक्ट है कि इसमें जितनी भी होगी वैल्यूज़ उनको काउंट करना पड़ेगा, लेकिन इस मूड मीडियन में जो है इस तरह नहीं है। जो मूड है ये क्या होता है, इट इज़ द वैल्यू विच अकर्स मोस्ट फ्रीक्वेंटली। मोस्ट फ्रीक्वेंटली अगर आप आपके पास एक वैल्यू दी हुई है, अगर इसमें यहाँ भी वो वैल्यू आ रही, यहाँ भी आ रही, यहाँ भी आ रही, तो ये हमारे पास मूड होगा, ठीक है। इसी तरह क्या है, इफ़ ऑल वैल्यूज़ आर डिफरेंट देयर इज़ नो मूड, अगर आज तमाम वैल्यूज़ एक दूसरे से मुख्तलिफ होंगी तो कोई मूड नहीं होगा, ये आपने याद रखना, ठीक है। समटाइम्स देयर आर मोर देन वन मूड, ये भी हो सकता है कि यहाँ पर है तो दो यहाँ पर भी सेम हो, दो यहाँ पर भी सेम हो, तो ये जितने भी अगर सेम हो ज़्यादा ज़्यादा, तो वो भी
जो है मूड हो सकते हैं एक वैल्यू में एक से ज़्यादा। ठीक है, इसी तरह इसकी एग्जांपल अगर देखें, 28 वैल्यू इज़ रिपीटेड 2 टाइम्स, सो इट इज़ द होल, इट इज़ द मूड। अगर एक रैंडम सैंपल है उसमें 28 अगर 2 बार हो रहा है, रिपीट हो रहा है, तो इसकी जो मूड होगा वो 28 ही होगा। इसकी प्रॉपर्टीज़, इट इज़ नॉट यूनिक, ये यूनिक नहीं है। ठीक है, इट मे बी यूज फॉर डिस्क्राइबिंग क्वालिटेटिव डाटा। ये आपने याद रखना है कि जो मूड है वो क्वालिटी को जाहिर करने के लिए इस्तेमाल होता है। ठीक है, क्वालिटेटिव डाटा को इस्तेमाल करने जो है उसको बयान करने के लिए इस्तेमाल होता है। तो यहाँ पर जो लेक्चर नंबर हमारे 27 से लेकर 30 तक जो लेक्चर थे वो कवर होते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दें, और अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि आने वाली वीडियोज़ आपको मिलती रहें। अल्लाह हाफ़िज़।